25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी कितने रुपयों में दी हुई है? कितना? 1750 रुपये। बताओ प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितने रुपये आएंगे? जब 25 मजदूरों की दी हुई है मजदूरी, तो एक मजदूर का ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 25 भागित 1750 करने पर जो आएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 21,500 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 125 मिलता है, तो भाजक संख्या ज्ञात करो। ये कैसे बनेगा? एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक सूत्र, भागफल गुणित भाजक धन शेषफल बराबर भाज्य। उसे हमें क्या करना है, जो जो मान दिया हुआ है इस प्रश्न में, उसे हमें उस क्या इस सूत्र में हमें रखना है और भाजक हमें मिल जाएगा। बना करके देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया था? 21,500 वो किसी संख्या में भाग देने पर, मतलब कि ये हो गया भाज्य। 21,500 क्या है? भाज्य। और भागफल कितना दिया हुआ है? 125। तो भाजक संख्या ज्ञात करना है। और शेषफल नहीं दिया हुआ है, मतलब शेषफल क्या हो गया? 0। भागफल 125 और भाज्य 21,500। उस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, मतलब सूत्र क्या है? भागफल गुणित भाजक धन शेषफल बराबर भाज्य। तो भागफल कितना दिया है प्रश्न में? 125 गुणित भाज्य कितना दिया हुआ है? भाजक दिया नहीं है, उसे हमें निकालना है। धन शेष फल कुछ नहीं है, मतलब कि 0। और भाज्य कितना है? 21,500। बस सॉल्व करना है। तो भाजक गुणित 125, धन 0 का कोई मतलब नहीं है, 21,500 भाजक क्या मिल जाएगा? ये इधर गुणे में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? 125 भाग में चला जाएगा। 21,000 बराबर के इस पर आकर क्या हो जाएगा? ये गुणा हो जाए, गुणा में है भाजक के साथ, वो 125 यहाँ पे भाग में आ जाएगा। तो इसे भाग करके 125 को 21,500 से भाग करके हमें क्या करना है? आंसर लेके आना है। 125 एकम 125, 125 को गुणा भाग करेंगे किससे? 21,500 से, तो क्या मिलेगा? 175। तो हमें भाजक क्या मिला? 175। यही हमारा क्या है? आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1,15,625 रुपये है, तो उनमें से एक संख्या कितनी है? 125 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। जब एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। गुणनफल दे दिया हुआ है दो संख्या का। माना कि वो दो संख्या क्या क्या है? एक्स और वाई है। एक्स और वाई है, तो एक्स की वैल्यू मान दे दिया हुआ है कितना? 125, क्योंकि एक संख्या के मान उसने दे दिया है। तो वाई हमें ज्ञात करना है। और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है? 1,15,625 दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल एक्स गुणित वाई बराबर 1,15,625, और इनमें से एक संख्या, मतलब कि एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 125,
गुणित वाई बराबर एक लाख 15,625। अब ये गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। 1,15,625 भागित 125, इसको भाग करने पर वाई का मान मतलब कि दूसरी संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। वाई क्या है, दूसरी संख्या, और ये एक्स क्या है, पहली संख्या। तो दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी, एक दोनों को भाग करने पर 925, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तीसरा चौथा क्वेश्चन है, 35 मोबाइल के सेट की कीमत कितना है, 37,625 रुपये है, तो बताओ एक मोबाइल के सेट का कितने कीमत होगा। जब 35 का कीमत 37,625 रुपये है तो एक मोबाइल का कितना होगा, उसे जानने के लिए हमें 35 से भाग करना पड़ेगा 37,625 को, 37,625 को 35 से भाग करना पड़ेगा, उसे हमें क्या मिलेगा, एक मोबाइल की कीमत। एक मोबाइल की कीमत तो कितना आएगा, इसका आंसर 1,075। ये क्या है, एक मोबाइल की कीमत है, इसको भाग करने पर क्या मिलेगा हमें, उत्तर 1,075, और यही हमारी क्या है, एक मोबाइल की कीमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाजक क्या है, 48 है, इसमें भी वही सूत्र लगेगा, क्या भागफल गुणित भाजक धन शेषफल बराबर भाज्य। भाजक दिया हुआ है 48, भागफल दिया हुआ है 403, शेषफल दिया हुआ है इसमें 5, और तो भाज्य ज्ञात करो। चलो करके देखते हैं, क्या क्या दिया हुआ, भाजक 48 है, भागफल 403 है, और शेषफल 5 है। भाजक 48 भाग फल 403 और शेष फल 5। भागफल 403 शेष फल 5, भागफल 403 शेष फल 5। तो क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, भाग फल गुणित भाजक धन शेष फल बराबर भाज्य भागफल। भागफल कितना दिया हुआ है, 403 गुणित भाजक 48 धन शेषफल 5 बराबर भाज्य को ज्ञात करना है। तो 403 गुणित 48 धन 5 करना है। अड़तालीस धन 5, अड़तालीस धन 5, 48, 49, 55, 52, 53। अब इन दोनों को गुणा करने पर जो मिलेगा वो हमारा भाज्य हो जाएगा। भाजक भागफल गुणित भाजक धन शेषफल बराबर भाज्य। तीन तिया 9, तीन सुन्नम 0, तीन चौक 12,
दिया 15 की 5, हासिल में ये 5, सुनम शून्य 1 की ये 5 चौक 20, 9 5 3 1 2, 21,359। ये हमारा क्या है भाज्य, और यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट है, यह भी करो, 5 से अधिक संख्याओं में भी भाग की क्रिया ठीक वैसी ही है जैसे 5 अंकों तक की संख्याओं में है। कुछ और बड़ी संख्याएं बनाओ और इसी प्रकार भाग का अभ्यास करो। अपने साथियों से पूछो किसने कितने सवाल बनाए। अब आएगा मजा। चित्र में तीलियों से 9 समान वर्ग बने हैं, इनमें से केवल 4 तीलियां इस प्रकार हटाओ कि 5 समान वर्ग बचे। केवल 4 तीलियां इस प्रकार बनाओ, हटाओ समान वर्ग के उसकी 5 समान वर्ग मिले। 9 समान वर्ग है, 4 तीलियां हटाना है। 1 2 3 4 5 वर्ग बने, 1 तीली 2 तीली 3 चीली 4 तीली हटा दिए तो 1 वर्ग बनेगा, 2 3 4 5 6 वर्ग बनेगा। तो हमें क्या करना है, 4 तीली ऐसे हटाना है कि 5 वर्ग बने। अब तुम भी ऐसी ही आकृति तीलियों से बनाकर बना लो। 4 तीलियां इस प्रकार हटाओ कि 7 वर्ग बने। 2 तीलियां इस प्रकार हटाओ कि 7 वर्ग समान वर्ग बचे। यह भी करो, चरण 1, एक वर्ग बनाओ और उसके प्रत्येक कोने शीर्ष पर एक एक मनचाही संख्या लिखो। जैसे यहाँ हमने 14, 7, 12 और 6 लिखा है, 14, 7, 6 और 12 लिखा है। चरण 2, इस वर्ग के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक और वर्ग बनाओ। पहले वर्गों के कोनों पर लिखी संख्याओं का अंतर दूसरे वर्गों के कोने पर लिखो। जैसे कि पहले वर्ग में 14 और 7 दो दो कोने दोनों कोने में 2 संख्या लिखी थी, इन दोनों का अंतर मतलब कि 14 में 7 घटाने पर क्या मिलेगा, 7। उसे बीच में जो बिंदु बनाए हैं उसका संख्या वही होगा। वैसे ही 14 में से 6 घटाएंगे आएगा कितना, 8। 7, 12 में से 7 घटाने पर आएगा कितना, 5। 12 में से 6 घटाने पर आएगा कितना, 6। अंतरों को हमें मध्य बिंदुओं का संख्या भी हमें उसी तरह से निकालना है। चरण 3, दूसरे वर्ग के लिए भी चरण 2 के अनुसार काम करो। तीसरा वर्ग मिलेगा, इस वर्ग के प्रत्येक कोनों पर समान अंक मिलता है जैसे हमने इस वर्ग में किया था, उसी प्रकार हमें क्या करना है इस वर्ग में करना है। तो अब ये वर्ग हो गया। अब ये वर्ग जो है उसके कोनों में जो नंबर दिया हुआ है उन कोनों के नंबर को अंतर को हमें बीच में जो संख्या आएगा उसे हमें लिखना है। तो 8 में से 7 गया तो 1, 6 में 8 में से 6 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2 और 6 में से 5 गया तो 1। ये समान संख्या है क्या, 1 1 2 2, ये समान संख्या नहीं है। तो यदि हाँ तो यही अंतिम वर्ग है, और यदि नहीं तो चरण 4 पर पहुँचो। अब चरण 4 पर देखते हैं कि क्या कहलाता है। तीसरे वर्ग के लिए भी चरण 2 को दोहराओ। तुम देखोगे कि यहाँ चौथे वर्ग प्रत्येक कोने पर समान अंक मिलता है। अब ये चौथा वर्ग हम बनाएंगे, चौथे वर्ग में भी यहाँ पे इन दोनों का अंतर 1, 2 में से 1 गया तो 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 1। अब यहाँ पे 1 1 1 1 समान अंक मिल गए, समान अंक वर्गों में हमें मिल गए। तुम्हारे द्वारा लिए गए वर्ग के लिए चरणों की संख्या कम या अधिक हो सकती है। ऐसा ही एक और चित्र नीचे बना है, देखकर समझो। ऐसा ही एक और चित्र नीचे बना है। अब तुम खुद भी ऐसे ही वर्ग बना सकते हो।
नीचे कुछ जादुई वर्ग बने हैं जिनमें कई डिब्बे खाली हैं। इन डिब्बों में जादुई वर्ग के नीचे दिए निर्देशानुसार सही संख्याएं लिखो। इनके क्या ध्यान रहे कि जादुई वर्ग के प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ तथा प्रत्येक विकर्ण का योगफल समान होता है। योगफल क्या आना चाहिए? 18। प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का योगफल होना चाहिए 18। उसी प्रकार इसमें क्या होना चाहिए? 33। उसी प्रकार इसमें योगफल कितना होना चाहिए? 75। नीचे बने चित्रों को ध्यान से देखो। एक बिंदी, दो तीन, तीन बिंदी, इसमें एक दो तीन चार पाँच छः बिंदी आता है। उसी प्रकार इस चित्र को आगे बढ़ाते हुए हमें क्या करना है? त्रिकोण साइज में एक चित्र बनाना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। 6 के बाद क्या आया? 10। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक बिंदी था, उसके बाद दूसरे नीचे में दो बिंदी आया, उसके बाद नीचे में तीन बिंदी, उसके बाद नीचे में चार बिंदी, उसके बाद नीचे में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 बिंदी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कम से कम दो चित्र और बनाओ। एक तीन छः 10, उसके बाद 15। इस क्रम में ली गई संख्याएं एक लंबी श्रृंखला बनाती हैं। ये संख्याएं 1, 3, 6, 10 त्रिभुजीय संख्या कहलाती है, क्योंकि इनके बराबर ली गई बिंदियां त्रिभुज की आकृति की बन रही है। इनके लिए जो आकृति हम ले रहे हैं वो त्रिभुज के आकार की बन रही है। अब चतुर्भुज की बारी। एक बिंदी, फिर एक दो तीन चार बिंदी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ बिंदी, फिर उसके बाद 16 बिंदी आएगा। करके देखते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इस क्रम में ली गई संख्याएं 1, 4, 9, 16 भी एक लंबी श्रृंखला बनाती है। ये संख्याएं वर्ग कहलाती हैं। यहाँ पे वर्ग के रूप में संख्याएं हमें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इनके बराबर ली गई बिंदियां वर्ग की आकृति बनाती हैं। नीचे लिखे पैटर्नों को समझो और आगे कम से कम तीन संख्याएं लिखो। पहला दिया हुआ है 1, उसके बाद 1+2 श्रृंखला में है, 1+2+3, फिर उसके बाद क्या आएगा? 1+2+3+4, उसके बाद 1+2+3+4+5, उसके बाद 1+2+3+4+5+6, तीन संख्या मिल गई। दूसरा है 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, मतलब तीन तीन का गैप है। 3+4=7, +4=11, +4=11, 12, 13, 14, 15, 15, +4=15, 16, 17, 18, 19, 19, +4=19, 20, 21, 22, 23, 23। थर्ड है 1 के बाद 4, फिर 9, फिर 16, 1+3=4, 4+5=9, 9+7=16। ये ऑड नंबर्स हैं, मतलब कि विषम संख्याएं जोड़ने पर क्या मिल रहा है हमें? आगे की श्रृंखला मिल रही है। तो 7 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी?
प्लस 9 इज इक्वल टू जितना होगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू जितना होगा उसको यहाँ लिखना है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 प्लस 11 इज इक्वल टू 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 प्लस 13 इज इक्वल टू जितना होगा उसे यहाँ लिखना है 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस यहाँ पे क्या है नंबर्स लिए हुए हैं, 1 के बाद 2, इवन और ऑड नहीं डायरेक्ट नंबर्स लिए हुए हैं, तो 1 1 के बाद प्लस 1 किए तो 2 है, 2 के बाद प्लस 2 किए तो 4 है, 4 के बाद प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा उसे यहाँ पे लिख रहे हैं 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, उसके बाद प्लस 4, 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9 प्लस 18 इज इक्वल टू 27, तो 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 छः बारह, 6 3 एक 3 छः, 3 3 9, 3 छः 12, 3 5 15, 3 छः 18, 3 छः 18, 3 छः 18, 3 सत्तर, 321, वैसे ही क्या करना है 18 का गैप है तो 18 के बाद 9, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 इसी तरह से 18 के बाद 27 ऐड करने पर जो आएगा उसे यहाँ पे लिखना है। नीचे कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, इनके उत्तर सही अच्छी तरह से सोचो और समझ कर लिखो। एक बच्चा 3 किलोमीटर दूर तक देख सकता है, तो 6 बच्चे कितने दूर तक देख सकेंगे? जब एक बच्चा है वो भी बच्चा है और ये 6 भी क्या है, बच्चे हैं, तो एक बच्चा जब 3 किलोमीटर तक देख सकते हैं तो दूसरे बच्चे भी 3 ही किलोमीटर तक देख सकेंगे या फिर उससे कम देख सकते हैं, अगर जिनकी आंखें कम दूर तक देख पा रही हो, या फिर अलग अलग बच्चों की क्या हो सकती है, अलग अलग दूरी देखने की क्षमता हो सकती है। 3 बच्चों की ने 20 आम तोड़े, बताओ उनमें उन सब ने मिलकर कुल कितने आम तोड़े? 3 बच्चों ने जब 20 आम तोड़े तो 3 ही बच्चे हैं, तो उन सब ने मतलब कि तीनों बच्चों ने क्या किया, 20 आम तोड़े, तो सब ने मिलकर कितने आम तोड़े, 3 ही 20 ही आम तोड़े। एक पेड़ पर 20 चिड़ियाँ बैठी थी, शिकारी ने गोली चलाई, निशाना चूक गया और कोई चिड़िया नहीं मरी, अब पेड़ पर कितने चिड़िया बची? 0, क्योंकि जब शिकारी ने निशाना लगाया तो सब चिड़िया उड़कर पेड़ से चली गई और यहाँ पे मरी भी नहीं कोई भी चिड़िया और पेड़ पर कितनी बची? 0 चिड़िया। क्या तुम इन प्रश्नों के सही उत्तर दे पाए? ऐसे ही कुछ प्रश्न ढूंढो और अपने साथियों से पूछो। यहाँ पर यह अध्याय खत्म होता है। अब नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय 3। क्या अध्याय 3? लाभ हानि।